हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत प्रसन्नचित होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। तो कक्षा 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम करवाने जा रहे हैं तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाय अमित पब्लिकेशन से पाठ 2। जी हाँ, जिसका शीर्षक है दानी पेड़। और अब हम देखते हैं इसमें क्या है। पेड़ों से हमें बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं जिनके बदले वो हमसे कुछ नहीं लेते। पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है बच्चों? पेड़ से तो हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें लकड़ी मिलती है, और क्या मिलता है? हमें ठंडी हवा मिलती है, हमें स्वच्छ वातावरण मिलता है। इसके अलावा हमें सब्जी, फल और अनाज बहुत कितना कुछ हमें पेड़ देते हैं कि शायद हम ये गिन ही नहीं सकते, हम बता ही नहीं सकते। पाठ प्रवेश। पेड़ों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। ये हमें ऑक्सीजन उत्पादन में शांति, सुरक्षा, प्राकृतिक सौंदर्य और जीवनदायिनी वातावरण प्रदान करते हैं। पेड़ों के महत्व को उजागर करती है कहानी हमें दूसरों की सहायता करने की सीख भी देती है। आइए शुरू करते हैं। एक पेड़ था, वह छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता और उसके पत्ते इकट्ठे करता था। पेड़ पर बहुत सुंदर फूल लगते थे। लड़का फूल इकट्ठे करके उनकी माला बनाता था। वह पेड़ के तने पर चढ़ता और उसके डाल पर झूला झूलता। वह पेड़ के फल खाता और उसके साथ लुका छिपी खेलता, और जब वह थक जाता तो उसी पेड़ की छाया में सो जाता। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। समय बीता गया, लड़का बड़ा हो गया। अब पेड़ भी अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। एक दिन जब लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ ने कहा, बेटा आओ मेरे तने पर चढ़ो और मेरी डालों से झूलो, मेरे फल खाओ, मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी उम्र पेड़ पर चढ़ने की और खेलने की नहीं रह गई है। मैं अब चीज़ें खरीदकर उनका आनंद उठाना चाहता हूँ। अब सब चीज़ों को खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम कुछ पैसे दे सकते हो? तो पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास केवल पत्ते और फल हैं। मेरे फल तोड़ लो और इन्हें शहर में बेच देना, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम अपनी मनचाही वस्तुएं खरीद पाओगे। लड़का पेड़ पर चढ़ा, उसने फल तोड़कर इकट्ठे किए। पेड़ बहुत खुश था। लड़का वह फल बाजार में ले गया। फिर वह लड़का बहुत दिनों तक नहीं आया। पेड़ दुखी हुआ। एक दिन जब लड़का वापस आया तो पेड़ खुशी से हिलते हुए कहने लगा, आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरे डालों से झूलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मुझे पेड़ों पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है, मैं युवा मतलब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे एक घर की ज़रूरत है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकूँ। मुझे अब पत्नी और बच्चे चाहिए और उनके लिए घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? ये किसने कहा? उस लड़के ने जो युवा हो चुका था। मेरे पास तो घर नहीं है, पेड़ ने कहा, ये जंगल ही मेरा घर है, पर तुम चाहो तो मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो, मुझे इससे प्रसन्नता होगी। तब लड़के ने पेड़ की शाखाएं काटी और उन्हें ले गया अपना घर बनाने। इधर पेड़ अब भी खुश था। कितने ही दिन बीत गए। पेड़ प्रतिदिन लड़के की राह देखता। जब वह आया तब पेड़ इतना खुश हुआ कि कुछ देर उससे बोलते ही नहीं बना, मतलब वो इतना खुश हो गया। पेड़, आओ बेटा, पेड़ फुसफुसाया, बहुत दिनों में आए हो, आओ खेलो, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी उम्र अब खेलने की नहीं रह गई है, मुझे एक नाव चाहिए जो मुझे सात समुंदर पार ले जाए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? युवक ने कहा, मेरा तना काटकर तुम एक नाव बना लो। देखो पेड़ कितना अच्छा था, वो अपनी सारी चीज़ें दे रहा था। उसने शाखा, उसने फल दिए, उसने अपनी शाखाएं दी, और अब वो अपना तना भी काटकर दे रहा है। किस लिए? युवक को नाव बनाने के लिए। पेड़ ने उपाय सुझाया, मेरा तना काटकर तुम एक नाव बना लो, पेड़ ने उपाय सुझाया, तब तुम समुद्र पार कर सकते हो और खुश रह सकते हो। तब लड़के ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाकर समुद्र पार गया। पेड़ अब भी खुश था। नाना, वास्तव में पेड़ खुश नहीं था। अब वह पेड़ नहीं था, सिर्फ एक ठूंठ रह गया था, क्योंकि उसकी सारी शाखाएं, उसके पत्ते, उसके सब कुछ कट चुका था।
बहुत सालों बाद लड़का फिर पेड़ के पास आया। अब वह वृद्ध हो चुका था। क्षमा करना बेटा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब तो मुझ पर कोई फल भी नहीं आता। फल कैसे आता, क्योंकि पेड़ तो खत्म हो चुका था। पेड़ ने कहा, मेरे दांत इतने कमज़ोर हैं कि मैं उनसे चबा ही नहीं सकता। वृद्ध ने कहा, जो बूढ़ा हो गया था, ये देखिए, ये वृद्ध, ये बूढ़ा हो गया था। मेरी शाखाएं भी अब नहीं रही जिन पर तुम झूल सको। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए शाखाओं पर नहीं झूल सकता। ये उसने वृद्ध ने कहा, मेरा तना भी पूरा नहीं रहा जिस पर तुम चढ़ सको। पेड़ ने कहा, मैं बहुत थका हूँ, तने पर चढ़ने की ताकत मुझ में नहीं है। ये किसने कहा, वृद्ध ने कहा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है, बस ये कटा तना ही बाकी है। मुझे क्षमा करना, मुझे अब ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। वृद्ध बात काट कर बोला, केवल एक शांत जगह चाहिए बैठने और सुस्ताने के लिए, मैं बहुत थका हुआ हूँ। पेड़ ने कहा, आओ बेटा, मुझ ठूंठ पर ही बैठो और आराम करो। वृद्ध उस ठूंठ पर बैठ गया और पेड़ जो था अब फिर से प्रसन्न था, वो फिर से खुश हो गया कि ये जो बच्चा था जो फिर युवा हो गया और वृद्ध हो गया और ये फिर मेरे पास ही बैठा है, तो पेड़ इसमें भी खुश हो गया। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, कठिन शब्द इकट्ठे, प्रसन्नता वस्तुएं, सुस्ताने आनंद, व्रत फुर्सत और ठूंठ। और अब है शब्दार्थ। उम्र का अर्थ है आयु, फुर्सत का मतलब खाली समय, सुरक्षित यानी अच्छी तरह रक्षित, फुसफुसाना यानी धीमी आवाज में बोलना, वास्तव में यानी असल में, और ठूंठ का मतलब बिना डाल पर। अब है से क्या पूछा है, पेड़ किसको बहुत प्यार करता था, पेड़ लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का पेड़ के फूल इकट्ठे करके क्या करता था, लड़का पेड़ के फूल इकट्ठे करके माला बनाता था। युवक ने पेड़ से पैसे क्यों मांगे, युवक ने पेड़ से कहा कि अब मैं जो है अपने मनपसंद चीज़ें खरीदना चाहता हूँ और मैं कुछ आनंद से रहना चाहता हूँ, इसलिए उसने उससे कुछ पैसे मांगे। युवक ने पेड़ की शाखाओं का क्या किया, युवक ने पेड़ की शाखाओं का जो था वो अपने ले गया, बाजार ले गया और उसने वहाँ पे उसे अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदी और घर बनाया। अंत में जब युवक वृद्ध हो गया तो उसे कैसी जगह चाहिए थी और क्यों, अंत में जब वो युवक वृद्ध हो गया तो उसको एक शांत और सुस्ताने वाली जगह चाहिए थी। अब है सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है, जो सही है। युवक को समुद्र पार करने के लिए क्या चाहिए था, हवाई जहाज, बैलगाड़ी, नाव या कार, उसको नाव चाहिए थी। लड़के को अपनी पत्नी और बच्चे के लिए पेड़ से क्या चाहिए था, कपड़े, पानी, खाना या घर, उसको घर चाहिए था। वृक्षों से हमें क्या मिलता है, लकड़ी, स्वच्छ वायु, फल या सभी, हमें पेड़ों से सब कुछ, वृक्षों से सब कुछ मिलता है, लकड़ी भी मिलती है, फल भी और स्वच्छ हवा भी, तो हमने ये सभी पर निशान लगा दिया। व्रत हो जाने के बाद युवक को क्या चाहिए था, शांत जगह, धन, लकड़ी या फल। व्रत हो जाने पर युवक को शांत जगह चाहिए थी। और अब हम करने जा रहे हैं, किसने कहा, किससे कहा। सबसे पहले, बेटा आओ मेरे तने पर चढ़ो और मेरी डालों से झूलो, ये पेड़ ने कहा लड़के से। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ये किसने बोला, ये बोला लड़के ने पेड़ से। ये जंगल ही मेरा घर है, ये किसने कहा, ये पेड़ ने कहा लड़के से। मेरा तना काट कर तुम एक नाव बना लो, ये किसने कहा, ये पेड़ ने लड़के से। केवल एक शांत जगह चाहिए बैठने और सुस्ताने के लिए, मैं बहुत थका हुआ हूँ, ये किसने कहा, लड़के ने कहा, किससे कहा, पेड़ से। तो अभी हमने क्या किया, किसने कहा, किससे कहा। और अब है वाक्यों के सामने सही या गलत। पेड़ लड़के को बहुत प्यार करता था, जी हाँ, पेड़ लड़के को बहुत प्यार करता था। बड़ा होने के बाद लड़का पेड़ के साथ खेलता था, जी नहीं, बड़ा होने के बाद लड़का पेड़ के साथ नहीं खेलता था। पेड़ ने लड़के को अपने फल और शहर में बेचने को कहा, बिल्कुल सही। वृद्धावस्था में लड़का पेड़ के पास खेलने आया, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सुस्ताने के लिए आया था, उसको एक शांत और सुस्ताने के लिए जगह चाहिए थी, तो ये गलत था। अब हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
पेड़ अपने आप को अकेला क्यों महसूस करने लगा? पेड़ अपने आप को अकेला यूँ महसूस करने लगा क्योंकि वो जो छोटा बच्चा था, जो लड़का था, अब वो बड़ा हो गया था और वो बाहर चला गया था, दूर चला गया था। लड़के के पास पेड़ पर चढ़ने की फुर्सत क्यों नहीं थी? क्योंकि लड़का युवा हो चुका था, उसे पैसे कमाने थे, उसे अपने लिए पत्नी चाहिए थी, बच्चे चाहिए थे और एक घर चाहिए था, इसलिए उसके पास पेड़ पर चढ़ने की फुर्सत नहीं थी। पेड़ ने व्रत से क्षमा क्यों मांगी? पेड़ ने व्रत से क्षमा इसलिए मांगी, उसने कहा कि अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे क्षमा करें। अंत में पेड़ क्यों खुश हुआ? अंत में पेड़ यूँ इसलिए खुश हुआ क्योंकि वह वृद्ध जो था वो तने पर ही बैठ गया और तने पर ही वह सुस्ताने लगा और जो था उसको शांति चाहिए थी तो वो तने पर ही बैठ गया, तो ये देखकर पेड़ बहुत प्रसन्न हो गया। युवक ने पेड़ से पैसे क्यों मांगे? युवक ने पेड़ से पैसे इसलिए मांगे क्योंकि उसको अपने लिए घर चाहिए था, उसको अपने लिए ज़िंदगी के और ऐशो आराम चाहिए थे, उसे पत्नी चाहिए थी, बच्चे चाहिए थे, एक घर चाहिए था, इसलिए युवक ने पेड़ से पैसे मांगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा और आपने भी इस पाठ से कुछ सीखा होगा। जी हाँ, क्या सीखा? कि हमारे पेड़ हमारे लिए कितने आवश्यक होते हैं, पेड़ हमारी कितनी सहायता करते हैं, वो अंत तक हमारी सहायता करते हैं। शुरू में हम उनसे फूल लेते हैं, फल लेते हैं, हम उनकी शाखाओं को यूज़ करते हैं, लेकिन अंत में उनके हम तना भी काट लेते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी हम आते हैं, तब तक के लिए आभार।